हे हाय एवरीवन, आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगी फॉरेस्ट्री का तीसरा बड़ा ही इम्पोर्टेंट डेमो सेशन। पहले डेमो सेशन में आई हैड डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन फॉरेस्ट्री। दूसरे डेमो सेशन में हम लोगों ने कई सारे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स का डिस्कशन किया, इम्पोर्टेंट ईयर्स का डिस्कशन किया था, जिसमें विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन हुआ, लाइक प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की भी बात हुई। दिस इज द थर्ड क्लास फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू द कोर्स, और जिन्होंने नहीं किया है, दिस इज द थर्ड डेमो क्लास फॉर यू पीपल। एंड आई एम श्योर कि ये डेमो क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लिटरली वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और ध्यान रखना, इस डेमो क्लास के बाद जरूर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि JRF एग्रो फॉरेस्ट्री का पेपर, जो कि ICAR के द्वारा कंडक्टेड एग्जामिनेशन है, या फिर MPPSC के फॉरेस्ट्री के पेपर्स, या किसी भी स्टेट सर्विसेज के फॉरेस्ट्री बेस्ड पेपर को जरूर जाकर के बनाइएगा, सो दैट यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो शुरुआत करेंगे NTFP के साथ, जो कि आज का मेन टॉपिक होने वाला है। नाउ व्हाट इज दिस NTFP? जब आप फॉरेस्ट सुनते हो तो सबसे पहले दिमाग में टिम्बर ही आता है, लेकिन टिम्बर के अलावा फॉरेस्ट एरिया से हमें कुछ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्राप्त होते हैं। कौन कौन से भैया? फाइबर मिल जाता है, लाख मिल जाता है, गम्स मिलते हैं, वो वाला गम नहीं भैया जो जीवन देता है हमें, गम्स, रेजिन, ये सारी चीजें मिलती है। हनी, तो भैया हनी हो गया, लाख हो गया, गम हो गया, रेजिन हो गया, फाइबर हो गया, तुम्हें क्या लगता है ये टिम्बर बेस्ड प्रोडक्ट है? नहीं, दीज आर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसीलिए आज के सेशन को देखने से पहले पहली डेमो क्लास जरूर कर दीजिएगा फॉरेस्ट्री की, सो दैट इस क्लास को समझने में आपको चीजों में हेल्प मिले। सो आइए पढ़ना शुरू करते हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉरेस्ट्री, एंड दैट इज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फुल फॉर्म इज NTFP का, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। सबसे पहला NTFP जो हमें मिलता है फॉरेस्ट्री से, दैट इज फाइबर। फाइबर मीन्स व्हाट? रेशा। रेशा जिसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बुनने के लिए जनरली यूज करते हो। सो शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ फाइबर और वो कौन कौन से प्लांट से मिलता है। डिफिकल्ट होगा याद रखना इसे, और अगर आपने अभी से नहीं पढ़ा तो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी मुश्किल टू मेमोराइज ऑल दिस। तो भैया अभी से लिखना चालू करो और याद करो, देखेंगे ध्यान से। स्टेम फाइबर हमें कौन कौन से पेड़ों से प्राप्त होता है? स्टर्कुलिया विलोसा, स्टर्कुलिया यूरेंस, नेक्स्ट इज ग्रेविया ऑप्टिवा, हार्डविकिया बिनाटा एंड ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे कॉमनली पलाश कहा जाता है, और इसका एक कॉमन नेम भी है अंग्रेजी का, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अगर आपको जरूरी लगता है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो हो गया स्टेम फाइबर की बात। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियों से हमें फाइबर मिलता है। जी हाँ, सही सुना आपने, पत्तियों से फाइबर मिलता है। आइए पढ़ लेते हैं वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके पत्तियों से हमें फाइबर मिलता है। सबसे पहला है मूसा, अगेव एंड कैरियोटा यूरेंस, कैरियोटा यूरेंस। नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनसे हमें फ्लॉस मिलता है। फ्लॉस बेसिकली लो क्वालिटी फाइबर होता है, ध्यान रखना। और फ्लॉस के लिए हम किन किन ट्रीज के फाइबर पर डिपेंडेंट है? सीबा पेंटांड्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉम्बैक्स सीबा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ट्री, एंड कोको स्पर्मम। तो सीबा, बॉम्बैक्स सीबा एंड कोको स्पर्मम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं केन्स। केन्स केन्स भी एक तरह का फाइबर मटीरियल होता है, जो कि किन से मिलता है? कलामस से, डेमोनोरोप्स से, सिराटोलोबस से एंड लेक्टोकोमिया से। थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, खास करके अगर आप नॉन फॉरेस्ट्री वाले हैं। एग्रीकल्चर वाले ने भी थोड़ा बहुत तो सुना ही रहता है, बिकॉज हम लोग एक पूरा कोर्स ही पढ़ते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री का, और उसमें ट्रीज के नाम को तो पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। डिफिकल्ट केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, बिकॉज इतना सारा साइंटिफिक नाम तो हम लोग इंजीनियरिंग में या नॉन बायोलॉजी वाले पॉइंट्स में नहीं पढ़ते हैं। तो ये हो गया फाइबर का क्लासिफिकेशन और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट्रीज से प्राप्त होता है। दूसरा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हमें फॉरेस्ट्रीज से मिलता है, दैट इज एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल ही वो पार्ट होता है
जिसे हम परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बिकॉज इसी एसेंशियल ऑयल में अरोमा होता है, खुशबू होती है। तो आइए पढ़ते हैं टाइप ऑफ एसेंशियल ऑयल और ये कौन कौन से प्लांट से प्राप्त होता है। ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है, और एक बार पेपर बनाओगे ना तो सारी चीजें आपको दिमाग में आ जाएंगी कि क्यों मैं पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक को। तो टाइप में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वुड ऑयल, मतलब लकड़ियों से अगर एसेंशियल ऑयल मिलता है तो कौन कौन से ऐसे ट्रीज हैं जिनकी लकड़ियों से एसेंशियल ऑयल मिलता है। तो एक तो तुम चंदन जानते हो, सैंडलवुड। सैंडलवुड का साइंटिफिक नेम अगर मैं लिखूं तो सैंटालम एल्बम। और आपको बता दूं, फॉरेस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा, जो कि है सैंडलवुड की एक बीमारी जिसका नाम है स्पाइक, और ये स्पाइक नाम की बीमारी फाइटोप्लाज्मा से होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान रखिएगा। दूसरा है अगर, अगर अगर मतलब वो मत समझ लेना बायोलॉजी वाले जो मीडिया प्रिपरेशन में बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अगर वुड का साइंटिफिक नाम है एक्विलारिया एगालोचा, और ध्यान रखना सवाल ऐसा भी आ जाता है, अगर वुड बताइए क्या है, साइंटिफिक नाम दे देगा चार और पहचानो। इसके अलावा वुड ऑयल हमें दियोदर से भी मिलता है, दियोदर जिसका पहला नाम कम से कम याद रखिए सेड्रस, दूसरा नाम हमने इसीलिए नहीं कहा बिकॉज दूसरा नाम है डियोदरा, सेड्रस डियोदरा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऐसे ट्रीज जिनकी पत्तियों से हमें एसेंशियल ऑयल मिलता है, पत्तियों से एसेंशियल ऑयल मिलता है। तो आइए पढ़ लेते हैं वो कौन कौन से ट्रीज है जिनसे लीव्स ऑयल मिलता है। यूकालिप्टस ग्लोब्यूल्स, यूकालिप्टस की फैमिली क्या है, मिरिटेसी। यूकालिप्टस से नीलगिरी भी कहते हैं। यूकालिप्टस में पहली क्लास में हमने बताया था बायोड्रेनेज प्लांट के रूप में यूज होता है। यूकालिप्टस का एक और बहुत बड़ा यूज है कि इसको विंड ब्रेक के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कैम्फर, कपूर जिसे आप कहते हो, इसी प्लांट से मिलता है। कौन से पार्ट से मिलता है, लीफ से मिलता है। नेक्स्ट है विंटर ग्रीन ऑयल, भैया बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, पूछ देगा बताओ विंटर ग्रीन ऑयल किस पेड़ से प्राप्त होता है। सोचते बैठे रहोगे तो पढ़ लो ना, क्या नाम है, गाउलथेरिया, गाउलथेरिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रूट ऑयल, यानी जड़ों से, किन किन पेड़ों के जड़ों से आपको एसेंशियल ऑयल प्राप्त होते हैं, सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला है कॉस्टस ऑयल जो कि ससुर या लापा से मिलता है। दूसरा है वैलेरियन ऑयल, वैलेरियाना वॉलिचा। अब दिमाग लगाओ, इसके पूछे जाने के चांसेस तो कम है, खुद ही चिल्ला चिल्ला के अपना नाम बता रहा है, लेकिन ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कॉस्टस ऑयल किससे मिलता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लावर, जी हाँ फ्लावर से भी एसेंशियल ऑयल मिलता है, और उसी एसेंशियल ऑयल को हम अरोमेटिक इंडस्ट्रीज में खुशबू बढ़ाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, अरोमा प्रोड्यूस करते हैं। तो ध्यान रखना किस पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर से एसेंशियल ऑयल मिलता है, क्योड़ा, खीर वगैरह में, बिरयानी वगैरह में डलता है। क्योड़ा का साइंटिफिक नाम क्या है भैया, पैंडानस, क्या नाम है, पैंडानस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टैनिन्स पर, टैनिन्स। अब ये टैनिन्स क्या होते हैं और इसके कहां पर यूजेज है। टैनिन्स एक्चुअली ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी फल को कसैलापन देते हैं। कसैलापन को अंग्रेजी में, इंग्लिश में एस्ट्रिंजेंसी कहा जाता है, एस्ट्रिंजेंसी। और इन टैनिन्स का लेदर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उपयोग है, लेदर इंडस्ट्री में, ध्यान रखिएगा, लेदर इंडस्ट्री में टैनिन्स का बहुत बड़ा यूज होता है। अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लेदर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे, बस याद रखिएगा दिमाग के किसी कोने में। तो आइए पढ़ते हैं टाइप और ये किन किन प्लांट से या ट्रीज से ऑब्टेन होता है। वुड से टैन्स मिलते हैं, कौन से पेड़ के केस में, क्यूब्राचो। नेक्स्ट बार्क टैन, बार्क यानी कि छाल, ऑलरेडी बात हो चुकी है, ध्यान रखिएगा बात के बारे में। अकेसिया नीलोटिका, टर्मिनालिया अर्जुना, टर्मिनालिया अर्जुना, कैसिया फिस्टूला एंड सेरियोप्स, मतलब ये चार ऐसे पेड़ हैं जिनके छाल से हमें टैनिन प्राप्त होता है, छाल से हमें टैनिन प्राप्त होता है, और छाल से ही चिंकोना पेड़ के, चिंकोना पेड़ के छाल से हमें क्विनिन नाम का केमिकल मिलता है जो कि एंटी मलेरियल दवाइयों को बनाने में भी यूज होता है। तो देखो कैसे चीजें रिलेट हो जाती। नेक्स्ट फ्रूट टैन, जी हाँ अभी आपने आंवला खाया होगा, आंवला कितना कसैला लगता है ना, जामुन, जामुन का फल बड़ा कसैला लगता है। तो ये ऐसे फल हैं जिनके फलों से हमें टैनिन्स मिल जाता है। टर्मिनालिया चेबुला, टर्मिनालिया बेलेरिका और एम्बलिका, एम्बलिका मतलब क्या है भाई लोग, आंवला। और तुम्हें बता दूं इन्हीं तीनों को तो मिक्स करके
त्रिफला बनाया जाता है, अनदर फॉरेस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। त्रिफला कैसे मिलाओगे या बनाओगे? आंवला मिक्स करो टर्मिनालिया चेबुला मिक्स करो एंड टर्मिनालिया बेलरिका को मिक्स करो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, पत्तियों से टैनिन कौन से पेड़ से प्राप्त होता है, जिसे हम लीफ टैन कह रहे हैं? एनोगीसस, एक बार वापस आ जाती हूँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एनोगीसस मोस्ट प्रोबेबली लैटिफोलिया स्पीशीज है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। यस, वेयर डिड इट गो? या लीफ टैन, एनोगीसस लैटिफोलिया, मैंने कहा ना स्पीशीज वही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डाइस पर। व्हाट डू यू मीन बाय डाई? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, यहां से देख लेना। डाई मतलब कलर। कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें डाइज या कलर प्राप्त होते हैं? तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला वुड डाई, लकड़ियों से डाई अगर मिल रहा है तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लकड़ियों से तुम्हें डाई प्राप्त होता है? प्लीज आज जा करके, प्लीज गो एंड चेक इट आउट, JRF एग्रो फॉरेस्ट्री 2020 का सवाल देखिएगा, आपको ये पहले पॉइंट से सवाल मिल जाएगा। क्या सवाल आया था कि ब्राजीलियन डाई कौन से प्लांट का प्रोडक्ट होता है? सिसालपिनिया सपैन, सिसालपिनिया सपैन। इट्स हाई टाइम पढ़ना शुरू करो। आपको नहीं लगता कि इतना सारा याद करने में, स्पेसिफिकली इफ यू आर फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर एंड नॉन फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड, यू आर गोइंग टू फेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, सो स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। दूसरा है सैंटालिन डाइज, टेरोकार्पस सैंटालिनस, डाई मतलब कलर। नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं भाई लोग जो कि बार्क से प्राप्त होता है जिनके डाइज, किससे प्राप्त होता है? बार्क से प्राप्त होता है। बार्क यानी कि क्या, हमने कितनी बार पढ़ाया है, बार्क यानी कि क्या होता है भैया? तो बार्क से मतलब होता है छाल, बार्क से मतलब क्या होता है? छाल। एक सेकेंड बेटा, तो बार्क डाइस किससे किससे मिलता है, ये पढ़ते हैं। रेडिश डाई, बार्क डाई में सबसे पहला है रेडिश डाई, ये मिलता है कैजुआरीना इक्विसेटिफोलिया, कैजुआरीना इक्विसेटिफोलिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं येलो कलर का डाई, येलो कलर का डाई, येलो कलर का डाई। एक सेकेंड ना प्लीज, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ये जो छोटा सा दिक्कत हो रहा है, लेट मी करेक्ट इट आउट एंड देन वी विल कम बैक टू द टॉपिक, देन वी विल कम बैक टू द टॉपिक, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तुरंत शुरू हो जा रहा है, हाँ, और आई होप कि आप लोग अभी तक सारी चीजों को रिवाइज कर चुके होंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है। पहली डेमो क्लास, पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, सेकंड वाली भी हो चुकी है, तीसरी क्लास है, एक और क्लास अपलोड होगी, और ये सारी क्लासेस खुद में बेहद इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं छोड़ दूंगी तो बड़ा दिक्कत में फंस जाओगे बेटा, ध्यान रखना। और तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा आज कि बहुत भी आसान नहीं है पढ़ना, बहुत भी आसान नहीं है पढ़ना। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, गिव मी 2 मिनट्स मोर एंड देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन अगेन। कुछ प्रॉब्लम हुआ था पीडीएफ को ओपन होने में, अभी फटाफट हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, देखो तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। देख लो कितने सारे नाम हैं, अभी इसे पढ़ना शुरू करो, तभी रिजल्ट्स तुम्हें वैसे मिलेंगे जैसे तुम्हें चाहिए, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगी रिजल्ट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, कहाँ तक थे हम लोग डाइस पढ़ रहे थे ना बेटा। चलिए, रेडिश डाई किससे मिलता है? कैजुआरीना इक्विसिटिफोलिया। और इसके अलावा येलो डाई किससे मिलता है? माइरिका एस्कुलेंटा। सवाल ऐसा भी आ जाता है कि माइरिका एस्कुलेंटा जो ट्री है, इसके कौन से पार्ट से डाई मिलता है? बार्क से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके फलों से डाई प्राप्त होता है, फ्रूट से। इसमें एक सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखना एग्रीकल्चर वाले हॉर्टिकल्चर वाले सेक्शन में भी ये सवाल पूछा जाता है, और ये है एनाटो। एनाटो इज अ डाई जो कि एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है बिक्सा। इंडिगो डाइज, इंडिगो मतलब नील होता है, ठीक है, ये मिलता है राइटिया टिंक्टोरिया से।
राइटिया टिंक्टोरिया से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके फूलों से हमें डाई प्राप्त होता है, फ्लावर से। तो फ्लावर डाइज मिलता है सैफ्रन से, सैफ्रन यानी कि केसर, और केसर जिसका साइंटिफिक नेम है क्रोकस सटाइवस। और आपको बता दूं कि सैफ्रन की फैमिली क्या होती है, तो सैफ्रन की फैमिली है इरिडेसी। इसीलिए मैं हर दिन बोलती हूँ ये चीज, कि ऐसा ना समझें कि फॉरेस्ट्री इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, बोथ आर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। सैफ्रन आपको यहां भी पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर में भी पढ़ना होता है। तो सैफ्रन के किस हिस्से से डाई मिलता है फ्लावर, ये भी सवाल है ध्यान रखना। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पत्तियों से डाई प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अरे हीना मेहंदी, लड़कियां तो जानती होंगी हीना डाई, मेहंदी का साइंटिफिक नाम है लाउसोनिया। कई बार पूछा है, सिर्फ फॉरेस्ट्री के पेपर में नहीं बल्कि एग्रीकल्चर के भी पेपर में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में, कुछ गम्स मिलने वाले ट्रीज के नाम पर। कौन कौन से ट्री हमें गम देते हैं? ये वो वाला गम नहीं है जो जीवन हमें देता है, ध्यान रखना। ये वो गम है जो चिपचिपा होता है। तो सबसे पहला गम का प्रकार ट्री गम अरेबिक, साइंटिफिक नेम इज अकेसिया सेनेगल। इंडियन गम अरेबिक पता नहीं क्यों, बट इस पेड़ के नाम से बड़ा प्यार है पेपर वालों को। इंडियन गम अरेबिक का साइंटिफिक नेम इज अकेसिया नीलोटिका। गम किनो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ट्री, ये सब ट्रीज के नाम है कॉमन जिनसे गम प्राप्त होता है। साइंटिफिक नेम इज टेरोकार्पस मार्सुपियम। टेरोकार्पस मार्सुपियम पेपर बना के देखिए, सबसे हल्का लकड़ी, सबसे भारी लकड़ी, सब पूछा गया है, और वो सब सब आपके यूजर्स में पढ़ोगे आप लोग, ध्यान रखना। नेक्स्ट रेजिन, रेजिन जिसे हिंदी में राल कहते हैं। कहीं कहीं पर हिंदी टर्मिनोलॉजी भी जानना जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हिंदी टर्मिनोलॉजी भी लिखा है। आपके सिलेबस में टॉपिक भी है एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर में डिफरेंस बिटवीन गम्स एंड रेजिन्स, जो कि हम आगे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। सो आइए पढ़ते हैं रेजिन्स के अलग अलग प्रकार और वो कौन कौन से ट्रीज से मिलते हैं। सबसे पहला है ट्रू डामर अगैथिस लोरेंथीफोलियस से। ब्लैक डामर कलर के अनुसार नाम है कैनेरियम स्ट्रिक्टम से। व्हाइट डामर वटेरिया इंडिका से। लाल डामर शोरिया रोबस्टा से। शोरिया रोबस्टा यानी कि साल, साल की फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी। अभी तो फैमिली वाली क्लास भी बाकी है। और लास्ट है हमारा प्यारा लाख, विच इज कॉमन टॉपिक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। लाख जो कि लाख इंसेक्ट से प्राप्त होता है, और इस लाख इंसेक्ट का पालन पोषण अलग अलग पेड़ों पर ही किया जाता है। तो भैया पेड़ों पर कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं तो फॉरेस्ट्री को जोड़ना ही पड़ जाएगा। लाख के दो प्रकार होते हैं, रंगीनी एंड कुसुमी। रंगीनी एंड कुसुमी, रंगीनी लाख की खेती कौन कौन से पेड़ों पर होती है? ब्यूटिया पलाश पूरा नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और दूसरा है ज़िज़िफ़स मॉरिशियाना। दूसरे प्रकार का लाख है रंगीनी के बाद कुसुमी, और कुसुमी लाख का जो पालन पोषण है वो कुसुम नाम के प्लांट पर होता है, और कुसुम का वैज्ञानिक नाम है शिलीचेरा ओलियोसा। सो आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे समझने से ज्यादा तो इस टॉपिक में आपको चीजों को याद रखना है। एंड प्लीज गो एंड एनालाइज द पेपर्स फॉर योरसेल्फ। सभी एग्जामिनेशन में आप एक बार चेकआउट करना, हर एग्जाम में। पिछली बार का छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर छोड़ दीजिए अगर, तो जितने भी एग्जाम्स का पेपर आप उठाओगे हर एग्जाम में एक ना एक सवाल यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन, एंड आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। हमारे दो टेलीग्राम चैनल्स हैं, एक स्पेसिफिकली जो कि एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर के लिए क्रिएट किया गया है, एंड एक हमारा ऑफिशियल चैनल है। अगर हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं सो डू ज्वाइन द यूट्यूब सेशंस आल्सो। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।